भुज सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वावधान में मेला कमेटी की ओर से इष्ट देव झूलेलाल की जयंती हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुधवार की शाम धूमधाम से मनाई गई। 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस व झूलेलाल जयंती एक साथ पढ़ने से भक्तों में दोगुना उत्साह दिखा और पूरे दिन झूलेलाल मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। शाम को लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर से महाआरती के बाद बहरानी की पूजा समाज की महिलाओं ने किया। पल्लव के बाद शोभा यात्रा आरंभ हुई। इसमें भव्य झूलेलाल जी की प्रतिमा व बहराना लेकर सेंट्रल पंचायत का वाहन नेतृत्व कर रहा था। इसके पीछे विभिन्न पंचायतों की अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर झांकी लक्सा पहुंची, वहीं से एकत्र होकर दशाश्वमेध घाट के लिए प्रस्थान की। इसमें प्रमुख रूप से अमर नगर पंचायत, अशोक नगर पंचायत, पांडेपुर पंचायत, अर्दली बाजार पंचायत, सिंधु नगर पंचायत, रानीपुर पंचायत, राजघाट पंचायत की झांकी शामिल रही। तमाम सामाजिक संदेशों की झांकी के साथ ही इस बार अयोध्या में बने प्रभु श्री राम मंदिर की झांकी की धूम रही। इस अवसर पर जगह जगह प्रसाद वितरण के स्टॉल भी लगाए गए थे, साथ ही पूरे क्षेत्र को विद्युत झालरों से सजाया गया था। दशाश्वमेध पंचायत द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। झूलेलाल जयंती महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 अप्रैल की शाम 6 बजे महमूरगंज स्थित एक लॉन में भव्य सिंधी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। अंत में शीतला घाट पर भव्य आरती के साथ मेला संपन्न हुआ। इस दौरान दिलीप तुलसियानी, त्रिलोकी रूपानी, मेला कमेटी के चेयरमैन राजकुमार वाधवानी, को चेयरमैन चांद पंजवानी, सुरेश वाध्या, सुरेंद्र लालवानी, गोविंद कृष्णानी, जय लालवानी, शंकर विष्णानी, दिलीप इसरानी, मनोज लखमानी, सोनू अंजवानी, अमित सेवा रामानी, महेश आहूजा, चंदन राम रख्यानी, भरत बदलानी, सुमित धमेजा, दीपक वासवानी, अरुण लखमानी, रवि सेता, सुशील लखमानी व चंदन रूपानी आदि का विशेष सहयोग रहा। आस्था का जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। मैं सभी सिंधी समाज को, पूरे समाज को जो है झूलेलाल जयंती अभी अभी श्री राम का झांकी निकला है, झांकी वो क्या करना है? सुंदर संदेश झांकी के माध्यम से दिया गया है। इस समय आतंकवाद का उसका आतंकवाद हुआ है, झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। बहुत ही